हाउ टू सेंड पेटीएम वॉलेट मनी इन पीसी। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक भारद्वाज आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ पेटीएम की एक और नई ट्रिक लेकर, जिसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पेटीएम वॉलेट का पैसा अपने पीसी से किसी अदर के पास यानी किसी अदर मेंबर के पास कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप सभी के लिए पेटीएम से जुड़े ऐसे अपडेट की जानकारी लाता रहता हूँ जो आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पेटीएम के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं पेटीएम का एक ऐसा ही वीडियो बनाऊं जिसमें मैं पेटीएम वॉलेट का पैसा पीसी से ट्रांसफर करके दिखाऊं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं अपना पेटीएम पीसी के अंदर ओपन करके। ये देखिए मैंने यहां पेटीएम ओपन कर लिया है। आपको यहां ऊपर वॉलेट का ऑप्शन दिखाई देता है, इसमें केवल आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है ऐड मनी टू वॉलेट और पासबुक का। तो इसमें आप किसी को मनी पीसी के द्वारा नहीं भेज सकते, मनी भेजने के लिए आपको अपने मोबाइल का ही यूज करना होगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही आराम से अपने पीसी के माध्यम से भी किसी को भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग उस ट्रिक का यूज कर रहे होंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह पेटीएम वॉलेट का पैसा अपने पीसी से ही किसी को भी कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। हम किसी भी मोबाइल नंबर पर ट्रांसफर कर सकते हैं, हम किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आप पेटीएम वॉलेट का पैसा किसी के पास भेजना चाहते हो, वो भी अपने पीसी से, तो आपको इसके लिए पेटीएम एप्लीकेशन की ही जरूरत पड़ेगी। बिना पेटीएम एप्लीकेशन के आप पेटीएम वॉलेट का पैसा किसी को नहीं भेज पाएंगे, ना ही पेटीएम पेमेंट बैंक का पैसा किसी के पास ट्रांसफर कर पाएंगे। अब बात आती है कि पेटीएम एप्लीकेशन हम कैसे अपने पीसी में यूज करें। बस इसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। उस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के द्वारा आप पेटीएम एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा सॉफ्टवेयर है। आप यहाँ गूगल पे आए, यहाँ लिखिए आप नॉक्स प्लेयर, NOXPLAYER। नॉक्स प्लेयर लिखते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। आप यहाँ देखिए सेकंड नंबर पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, आप यहाँ क्लिक करिए। मैं आपको इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ। इस प्लेयर के बारे में मैं पहले भी अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता चुका हूँ। ये देखिए ये वो प्लेयर है जिसके माध्यम से आप किसी भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को अपने पीसी में रन कर सकते हैं। यानी आपका पीसी एंड्रॉइड में ही कन्वर्ट हो जाता है, फिर आप एंड्रॉइड की कोई सी भी एप्लीकेशन ठीक उसी तरह रन कर सकते हैं जिस तरह आप अपने मोबाइल के अंदर करते हैं। तो आपको यही प्लेयर डाउनलोड करना होगा। आप सीधा डाउनलोड पर क्लिक करिए, डाउनलोड पर क्लिक करते ही ये आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। ये आपको मैक वर्जन के लिए मिलता है, ये आपको विंडो वर्जन के लिए मिलता है। तो फिलहाल ये सॉफ्टवेयर मैंने पहले से ही अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए ये है वो प्लेयर, और यहाँ मैंने अपनी पेटीएम एप्लीकेशन इंस्टॉल भी कर रखी है। मैं आपको बता देता हूँ आपको पेटीएम एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करनी है। आपको यहाँ देखिए एक गूगल वाला एक ऐसा आइकन दिखाई देगा, आप यहाँ क्लिक करें और सीधा प्ले स्टोर पर क्लिक कर दीजिए। प्ले स्टोर पर क्लिक करने के बाद आपको बस यहाँ पेटीएम लिख के सर्च करना है। पेटीएम लिखते सर्च करने के बाद सीधा आपके सामने कुछ इसी तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है जैसे आप मोबाइल में ओपन करते हैं, ये ठीक उसी तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहां से इसको स्टोर कर सकते हो, मैंने इसको पहले से स्टोर कर रखा है। तो फिलहाल मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ और एक बार मनी भी ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ मैंने पेटीएम एप्लीकेशन पहले से स्टोर कर रखी है, मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद देखिए आपके सामने ठीक मोबाइल की स्क्रीन की तरह ये पूरा का पूरा व्यू आ जाता है। मैंने यहाँ पहले से अपना अकाउंट लॉगिन कर रखा है, तो आप जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको पहले अपना अकाउंट यहाँ लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इसी तरह का इंटरफेस आएगा। अब मैं यहाँ से मनी सेंड करता हूँ। मनी सेंड करने के लिए आपको यहाँ पे पे क्लिक करना है, तो मैं सीधा यहाँ पे पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा जो मेरा वॉलेट का पैसा है, मेरा वही वॉलेट का पैसा दूसरे के पास जाएगा, तो मैं सीधा यहाँ पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। पे वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने है मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आता है, अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन आता है। तो फिलहाल मैं मोबाइल नंबर पे ही मनी ट्रांसफर कर रहा हूँ, यानी पेटीएम वॉलेट पे ही मनी ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो मैं सीधा यहाँ से कॉन्टेक्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ मैंने नंबर सेव कर रखा है, सीधा मैंने अपना ही नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। ये मेरा पेटीएम वाला अकाउंट है।
और जिससे मैं मनी सेंड कर रहा हूँ ये किसी अदर बंदे का अकाउंट है। तो फिलहाल मैं यहाँ से 100 रुपये आपको सेंड करके दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने 100 रुपये डाल दिए, सीधा मैं पे पे क्लिक कर रहा हूँ। तो फिलहाल इसने हमें लॉगआउट का मैसेज दिया, तो मैं यहाँ से दोबारा से लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ दोबारा से अकाउंट लॉगिन कर लिया है। मैं दोबारा से यहाँ कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ और फिर से नंबर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ मैं 100 रुपीज ऐड कर देता हूँ। अभी आप देखिए नीचे लिखा है मनी विल बी सेंड योर पेटीएम वॉलेट, यानी जो मनी सेंड होगी वो पेटीएम वॉलेट के द्वारा ही सेंड होगी। तो मैं सीधा यहाँ पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते देखिए जो मेरी मनी थी वो सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है, यानी हमने पीसी के द्वारा मनी बहुत ही आराम से दूसरे बंदे को सेंड कर दिए। तो आप इस तरह बहुत ही आराम से इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने कंप्यूटर से भी किसी को भी मनी सेंड कर सकते हैं। चाहे तो आप पेटीएम वॉलेट से कर सकते हैं, चाहे तो आप पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ सॉफ्टवेयर का नाम। मैं फिलहाल यहाँ से बैक आता हूँ। ये देखिए ये सॉफ्टवेयर है और यहाँ आपको पीछे सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है नॉक्सप्लेयर। तो आप इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में डालिए, अपने सिस्टम में डाल के पेटीएम एप्लीकेशन डालें और नॉर्मली पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करके किसी को भी अपने पीसी के द्वारा ही बहुत ही आराम से मनी सेंड करिए। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आएगी और उन लोगों को जरूर पसंद आएगी जो लोग अपने पेटीएम वॉलेट का पैसा अपने पीसी से ट्रांसफ़र करना चाहते थे। अगर आपको पेटीएम वॉलेट का पैसा पीसी से ट्रांसफ़र करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी आए तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मुझे फ़ोन करिए, मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूँगा आपका ये सेटअप करने में और आपकी मनी आपकी पीसी से किसी अदर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करें ताकि जो लोग पेटीएम वॉलेट का पैसा पीसी के द्वारा ट्रांसफर करना चाहते हैं वो लोग मेरे इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आराम से अपने पेटीएम मनी का पैसा अपने पीसी से ट्रांसफर कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।